हाँ जी, गुड मॉर्निंग। एक और नए दिन, नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खूबसूरत से दिल्ली से। और आप लोग ये ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो कल का जो ब्लॉग है आप लोगों ने देखा होगा, लास्ट हल्द्वानी में मैंने समाप्त कर दिया था। और उसके बाद फिर रात भर गाड़ी का सफ़र करने के बाद बस में हालत ख़राब होने के बाद सुबह सुबह मैं पहुँच गया था दिल्ली। और दिल्ली आया हूँ मैं कुछ ख़ास काम से, और दिल्ली में मैं आया था कृष्णा लोक के यहाँ। और दिल्ली से तो पहले से ही काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं यार। और फ़िलहाल मैं किसी काम से आया हुआ था लक्ष्मी नगर से। अभी मैं अपना काम वाम निपटा के फिर से रूम की ओर जा रहा हूँ। और रूम आपको पता ही है, जिस रूम में पहले 6-7 साल हमने साथ में बिताए हैं, तो उसी जगह पे आ गया सुबह सुबह में। और आज लक्ष्मी नगर से काम करने के बाद फिर से मैं जा रहा हूँ कृष्णा लोक के रूम में। ये देखिए मेरे साथ है कृष्णा और मैं आए थे लक्ष्मी नगर। बाकी ये देखिए दिल्ली के कुछ नज़ारे लक्ष्मी नगर साइड के। बस कल काफ़ी लेट हो गई थी, तो सुबह 5 बजे घर पे पहुँचा हूँ, यानी कि रूम पे पहुँचा हूँ 5 बजे के बाद। फिर सोया, व्लॉग एडिट किया, इस चक्कर में काफ़ी लेट हो गया। 11 बजे टाइम पे फिर मोती नगर से लक्ष्मी नगर को आया। और यहाँ से अभी काम करके 1 बजे वापस जा रहा हूँ मैं मोती नगर की ओर। तो यार काफ़ी सारी यादें हैं दिल्ली से जुड़ी हुई भी। मुझे तो लग रहा था मैं सारा कुछ भूल गया हूँगा यहाँ, लेकिन सारा कुछ मतलब यहाँ पहुँचते ही सारा कुछ याद आने लगा है। यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, ये करके। तो फिलहाल थोड़ी देर में आपको लेके चलूँगा मैं मोती नगर, और दिखाऊँगा पहले हम कहाँ रहते थे, स्नेहा और मैं कहाँ रहते थे, वो चीज़ें दिखाऊँगा थोड़ी देर बाद। पहले पहुँचते तो हैं घर। तो यार खाना पीना तो कुछ भी नहीं मिला फिलहाल। अब प्लान है कि सीधे घर पे जाएंगे, अपनी ऑटो के लिए वेट कर रहे हैं, बस सीधे निकलते हैं मोती नगर को। और मोती नगर में पहुंचने वाला है एक स्पेशल भाई थोड़ी देर में मिलाते हैं। हाँ जी, तो यार फिलहाल मैं आ गया हूँ घर पे, मतलब रूम पे कृष्णा लोगों के। अब तो कृष्णा लोगों का है, पहले कभी मेरा भी हुआ करता था यही रूम। और स्नेहा और मैं भी यहाँ रहते थे, मतलब अभी दिखाता हूँ मैं किस टाइप का था। तो कुछ इस टाइप की लोकेशन थी हमारे रूम के जस्ट सामने की साइड। और सबसे खूबसूरत तो ये जो दो पेड़ है ना, तो हमारे बिल्कुल छत के बिल्कुल सामने ही ऐसे पेड़ थे। गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा हमको यहाँ पे राहत मिलती थी इन पेड़ों की वजह से। और इस साइड यहाँ पे हमारा रूम था स्नेहा और मेरा, और ठीक इसके इस साइड कृष्णा लोगों का। जो स्नेहा और मेरा रूम था उस पर तो आजकल कोई और आ गए हैं, तभी मैं अंदर से नहीं दिखा सकता। बाकी कृष्णा लोगों का रूम दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ नीचे से रास्ता आता है, और ये हम हैं अभी 4th फ्लोर में। तो यहाँ पे आके बाहर ये ऐसे कबर्ड वबर्ड बने थे, और अंदर को बने थे क्या बने हैं मतलब। बाकी ये कृष्णा लोगों का रूम, जहाँ पे ऑलरेडी ये चारपाइयाँ वगैरह सब यहीं से लगा हुआ है। बाकी रूम की जो हालत है पहले इतनी ख़राब नहीं थी, आजकल ये पता नहीं सीलन वीलन सी हो गई है, तो ऐसा कुछ हो गया है रूम। और ठीक इस साइड किचन है, और किचन में है एक स्पेशल आदमी जो काफ़ी टाइम के बाद हमारे व्लॉग में आ रहे हैं, और दिन के खाने की लंच की तैयारी में लग चुके हैं, मिस्टर हर्षित बिस्ट। और क्या हालचाल, हर्षित घर को आने वाला है मेरे साथ, तो रास्ते में मिलता रहेगा आपको। फिलहाल हर्षित अभी खाना पीना बना रहा है, कुछ तो बना रहा है। तो हर्षित भी आज पहुंच गए हैं यहाँ, और फिर हम शाम को भी निकल सकते हैं हम लोग घर को। तो यही है, यहाँ थे हम लोग कुछ साल पहले, यानी कि 2 साल हो गए यहाँ से निकले हुए, और 2 साल के बाद मैं फिर से दिल्ली आना हुआ। तो मैंने कहा थोड़ी बहुत यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो कल स्नेहा को भी वीडियो कॉल करके सारा कुछ दिखाया, काफ़ी बदल गया यहाँ पे, तार वार काफ़ी कुछ लगा दिया, पहले बहुत खुला खुला था। तो ये सब ये कितना कुछ लग गया है यहाँ पर अब तो, ये क्योंकि ऊपर काम वाम चल रहा है ना, तो उसका सामान वामान काफ़ी सब पड़ा हुआ है यहाँ पर, और कपड़े वपड़े टांगने के लिए काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे अब ज़्यादा लोग रहने लग गए हैं, इस वजह से कपड़े वपड़े टांगने के लिए काफ़ी कुछ बना दिया है यहाँ पे, ये देखो इस टाइप का। और अंदर से अच्छे थे काफ़ी रूम, और बाकी ऊपर से ऐसे
कुछ सेट टाइप का था इसके, वो प्लास्टिक वाला जो टिन टाइप का होता है उस टाइप का था, और अंदर से काफ़ी अच्छे रूम थे। हमारा वाला भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसमें अभी कुछ 3-4 बंदे रह रहे हैं, तभी मैं दिखा नहीं रहा हूँ। तो उम्मीद तो है कि शाम तक जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो काम हो जाएगा, उसके बाद फिर सीधे हम आज शाम को ही निकलेंगे घर को, मतलब घर वाली बस में भी जा सकते हैं। चलो वो तो बाद में पता चलता जाएगा आप लोगों को क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हर्षित द सेफ लगे हुए हैं खाना पीना बनाने में, पता नहीं क्या ही बन रहा है इनका भाई साहब का। और हर्षित आजकल गुड़गांव में है, जॉब कर रहा है। हर्षित आजकल सेफ हुआ तो क्या हुआ, सर्विस वाला है भाई हर्षित। हर्षित का HM पूरा होके ट्रेनिंग भी पूरी होगी ना, ट्रेनिंग भी पूरी होगी। आजकल लौंडा पैसे वैसे खूब छाप रहा है, तो लौंडा आजकल काफ़ी बिजी हो गया है, काफ़ी वो हो गया है, क्या बोलते हैं उसको, मैच्योर हो गया है, मैच्योर। और हर्षित के उसमें बिहेव में भी काफ़ी बदलाव से आने लग गए हैं अब मैच्योरिटी वाले। हर्षित का प्लान था कि कल निकलने का घर को, तो मेरा भी अचानक आना हो गया दिल्ली, तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलो साथ में निकला जाए घर को। हो सकता है हल्द्वानी से हर्षित की बाइक वाइक लेके जाएं हम। बाइक ले जा रहा है क्या है, बिना बाइक के कौन जाएगा घर को? बिना बाइक के तो टॉयलेट तक नहीं जाता था घर में, याद ही है तो। तो बाइक लेके हो सकता है हम लोग बाइक लेके ही जाएंगे फिर, तो ऐसा सीन है भाई। और थोड़ी देर में फिर हर्षित और मेरे को भी निकलना है, कृष्णा लोग सब इधर उधर चले गए क्योंकि वो लोग भी ड्यूटी वगैरह करते हैं, जॉब वाले बंदे हैं, और वो सब लोग इधर उधर में हैं। और हर्षित और मैं थोड़ी देर में कहीं जाएंगे, वो दिखाएंगे आप।